हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज लेके आए हैं विभिन्न भर्तियों में पूछे गए गणित से संबंधित प्रश्नों का संकलन। इसमें 20 प्रश्नों का संकलन दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हम आपको 20 क्वेश्चन धीरे धीरे करके दिखा दे रहे हैं। और एक बार बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन का संकलन है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वही संकलन है। तो इसलिए क्वेश्चनों को देख लें और इनको खुद स्वयं हल करने का प्रयास करें। अगर नहीं आता है तो मैं पूरा पूरा इसी वीडियो में अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 20 क्वेश्चन इसलिए दिखाना चाहता हूं कि कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो खुद अपना सॉल्व करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं इसमें समझ में आता है तो मैं पूरा इसका सलूशन भी दे रहा हूँ। तो ये 18 क्वेश्चन और ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये रहा 20। तो ये 20 क्वेश्चनों का जो संकलन है वो हम शुरू करते हैं हल करना, जो हमने आपको दिखा दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं विशेष तौर से जो अध्यापक भर्ती होने जा रही है, पुलिस भर्ती है, SSC, रेलवे, बैंकिंग से संबंधित सभी में पूछे जाते हैं। तो चलो चलते हैं सॉल्व करके देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इसका उत्तर है, वैसे इसमें मैंने जो नंबर सिस्टम का पार्ट वन पढ़ाया उसमें बेसिक में ये पढ़ाया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो उनमें भी जो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। तो यहाँ लिख दें सबसे छोटी दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 डॉट डॉट, ये अनंत तक जब आपको दिए जाएं तो इनका सॉल्यूशन। वैसे तो हम एक लॉन्ग विधि से भी बता सकते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट विधि से बताएंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। और कुछ एग्जाम्स में क्या होता है अतिलघुत्तरी के रूप में पूछते हैं, कुछ में एग्जाम्स में क्या होता है वैकल्पिक पूछते हैं, तो इसको मैं सॉल्व करके भी बताऊँगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो सबसे पहले इसके क्या करो, आप पास पास वाले 2 गुणनखंड निकाल लें। वैसे 72 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 × 4 × 8, 8 × 24 और 24 × 72। अब इसको पास पास के गुणनखंड, जैसे 4 × 5 = 20 करते हैं, इस प्रकार से मतलब 2 पास पास वाली संख्याओं के रूप में इसको तोड़ लेते हैं। तो इन तीनों कर लें, इन तीनों को, तो 2 × 4 × 8 × 9 हो जाए। तो इस प्रकार से पास पास वाली संख्याओं में इस प्रकार के अगर हम तोड़ लेते हैं तो 8 × 72 हो गया। तो अगर इसमें माइनस है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर होता, अगर इसमें प्लस होता तो इसकी बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका उत्तर आएगा 8। निकाल के भी देख सकते हैं आप, अगर इसमें बड़ी से प्लस प्लस देते तो इसमें हो जाता 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, इसमें भी बदमाश वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सभी को पता ही है बदमाश। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो चलो देखते हैं, 42 + 12 / अब ब्रैकेट को तोड़ने के लिए 3 का भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, और -9 × 2 हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं, 2 का भाग इसमें होगा, तो 42 + 6 - 9 × 2, तो ये क्या आएगा, 42 + 6 - 18। इसको जब हम हल करेंगे तो 48 - 18 और = हो जाएगा 30। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब कोण कहाँ स्थित होता है। लंब कोण बिंदु जो होता है वो किसी समकोण त्रिभुज का कहाँ पर स्थित होता है। तो वैसे बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन की बात है, लेकिन जब ना आए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका आंसर है समकोणीय शीर्ष पर। डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर हम लिख दे रहे हैं, समकोणीय शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालना है x = 1/1 × 2 / 2 × 3 / 3 × 4 ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ तक दिया गया है। इसका मान निकालना है
तो बहुत बड़ी संख्याएं लग रही हैं बहुत, हाँ लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। और किस प्रकार से तोड़ के लिखते हैं देखते हैं। तो एक्स एस इज इक्वल टू, इसको एक बटा दो है तो एक बटा दो को क्या लिखेंगे हम, एक बटा एक माइनस एक बटा दो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस इसी प्रकार इसको भी अगर हम लिखें तो एक बटा दो माइनस एक बटा तीन, देख लो सॉल्व करके, तीन एक तीन दो, तीन में से दो गई एक बचेगा और तीन दो नहीं छः, तो यही लिखा जाएगा। प्लस इसको भी इसी प्रकार से एक बटा तीन माइनस एक बटा चार प्लस डॉट डॉट, और लास्ट वाली संख्या को भी इसी प्रकार लिख देंगे वन एक बटा निन्यानवे माइनस एक बटा सौ। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, एक लाइन और यहाँ बढ़ा लेते हैं, कोष्ठक इनके ख़त्म कर लेते हैं। तो वन माइनस एक बटा दो प्लस एक बटा दो माइनस एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन माइनस एक बटा चार प्लस डॉट डॉट प्लस एक बटा निन्यानवे माइनस एक बटा सौ। तो देखते हैं ये वाली संख्या माइनस की है, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, और नेक्स्ट वाली प्लस की होगी, डॉट डॉट ये यहाँ तक कट जाएगा लेकिन लास्ट का ये नहीं कटेगा। तो इसमें इज इक्वल टू आगे से एक बचा है माइनस एक बटा सो, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करें माइनस करके हल करके रख देंगे तो ये आएगा 99/100। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्याएँ दी गई हैं और इनका औसत निकालना है। तो औसत में हम लोग जानते हैं सभी को जोड़ लें और उसके बटे करने कितनी संख्याएं हैं, तो इसका औसत निकल के आ जाएगा। तो 1.11 प्लस 0.01 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11 बटा 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो इसका बटे 5 कर लेंगे। अब ऐसी संख्याओं को जब जोड़ते हैं, दशमलव वाली संख्याएं रहती हैं, तो इनको क्या करें, दशमलव के बाद बराबर बराबर संख्या कर लें। तो बराबर बराबर कर लें, तीन संख्याएं हैं तो इसमें जीरो बढ़ा रहे हैं लास्ट में, इसमें भी जीरो कर लें और इसमें भी, अब इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जीरो एक दो, लास्ट में दो आ गया, फिर देखते एक दो और एक तीन हो गया, इसके बाद फिर जोड़ते हैं एक दो और तीन हो गया दशमलव, फिर एक बटा पाँच, और इसको हम हल करते हैं। तो 0.5 × 10, 5 × 10 और 5 × 10 फिर से आ जाएगा दशमलव, 10 × 5 × 10 = 33 हो गए, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 अच्छे बार जाएगा सॉरी, 5 × 6 = 30, अब दो बचे 33, 3 बचे 3, 2 = 32, 5 × 6 = 30, 2 बचे 5 × 6 = 20। तो इसका जो औसत है वो ये हो जाएगा 0.002664। नेक्स्ट है 9/25 और 8/17 में कौन छोटी है। तो इनमें छोटी के लिए या तो भिन्न सॉल्व कर लो या दशमलव में बदल लो। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, अगर भिन्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.2590 हो जाएगा, 25 × 75, 1-1 पॉइंट पहले निकाल के देख लेते हैं, इसका निकालते हैं। तो 0.80 हो जाएगा, 17×5 = 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 4 बार जाएगा, 17×6 = 4 बार जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से निकल के आया ये वाला पॉइंट थी, ये वाला पॉइंट पूरे हमें छोटी, कौन छोटी है। तो 9/25 इसका आंसर जो होगा, 9/25 इज लेस देन 8/17। तो कौन सी छोटी है, ये वाली संख्या छोटी है। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत कम मिलते हैं ढूंढने से ये क्वेश्चन। तो किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होता है परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। नेक्स्ट है इतने में पाँच, ये संख्या दी है 45, 45.963 में 5 और 6 का स्थानीय मान निकालो। तो 5 का स्थानीय मान दशमलव के पहले वाली संख्या है तो उसी 5 का 5 ही होगा, 5 × 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है यानी कि यूनिट पर ये डिजिट स्थित है 5, और ये 6 है ये पॉइंटों में सेकंड नंबर पे हैं,
तो कौन सा पार्ट होगा, ये 10th पार्ट होता है, ये 100th पार्ट होता है। तो इसका जो होगा तो 6 × 1/100 इजिकल टू 6/100, तो ये इनके दोनों के स्थानीय मान हो गए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक्स की पावर दी गई है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम क्या करें, इनकी जो बेसिस होते हैं, आधार होते हैं, इनको हम बराबर कर लेते हैं। तो ये तो एक्स में है, लेकिन एक्स अंडर रूट एक्स में है, तो सबसे पहले क्या करें, इसको ऐसे ही रख लें इजिकल टू, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 रख सकते हैं और पूरी पावर एक्स हो गई। फिर देखते हैं, और एक्स की पावर एक्स अंडर रूट एक्स इजिकल टू, यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 और उसका पावर एक्स लिख देंगे। और क्या किया जा सकता है, इसी लाइन को बढ़ाते हैं, एक्स की पावर अंडर रूट एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3/2 एक्स हो जाएगा। अब देखिए, बेसिस जो दोनों हैं सेम है, जब हर समान होते हैं तो इनकी जो पावर्स होते हैं वो इक्वल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स इजिकल टू हो जाएगा 3/2 एक्स, बिल्कुल। तो इसको क्या करें, अब इनको इस साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 एक्स इजिकल टू 0। अब क्या दोनों में कॉमन लेते हैं, कॉमन एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू एक्स की हो जाएगी आपकी 0, और एक वैल्यू निकल के आएगी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 बराबर 0 और एक्स इजिकल टू 9/4। तो ये कैसे होगा, यहाँ से जब बराबर करेंगे, चलो एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो एक्स इजिकल टू, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, यानी कि 3/2 का वर्ग। तो जब इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे, तो 9/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब 10 क्वेश्चन और देख, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यदि ए स्टार, इसमें दिया गया है ए स्टार बी इजिकल टू 2 कोष्ठक ए प्लस बी, तो 5/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या, इसी फॉर्मूले में आप ए की जगह पे 5 रख दें, बी की जगह पे 2, तो आपका जो बन के आएगा वो ये होगा 5/2 इजिकल टू 2 और 5+2, तो इजिकल टू आएगा 5+2 7, 7×2=14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए वही फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज वाला जो होता है वही लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, a=p और 1+r/100n। तो यहाँ पे जब सॉल्व करें, मान रखेंगे इसमें a दिया गया है आपका, ये कितना दिया गया है 1352 इजिकल टू पी निकालना है 1+4/100^2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे इजिकल टू पी 4/4=25 और यहाँ से 26 हो जाएगा, 25 यानी 25 और प्लस 1 26/25^2। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे एक लाइन और बढ़ाते हैं, इजिकल टू पी और 26/25 × 26/25। और पी इजिकल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी इजिकल टू 1352 × 25 × 25/26/26। तो यहाँ पे या तो आपको 26 का टेबल आना चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो 13 का करके कर लो, 13×2=26 और 13×1=4, तो 2×1=2 और 2×5=10, 2×2=26, 1×26=2। तो ये आएगा 2×25 × 25=2×25 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा इतने रुपए, कितना 2×2=0, 10×0=1, 1 कैरी 2×2=4, 1×5=2=12।
तो इतने रुपए अगर हम लगाएं तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 की पावर 5x + 5 = 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करें, दोनों साइड का जो है हम बेस सेम कर लें, तो 5 की पावर 5 + 5 = यहाँ पे हम 5 की पावर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों जो बेसिस हैं वो सेम हो गए, तो यहाँ पे पावर को कंपेयर करवा देंगे, तो ये 5x + 5 = 0 हो जाएगा, और इसको 5x = -5 और इसको सॉल्व करेंगे तो x = -5/5 और -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ये किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो सॉल्व ट्रिक के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, बहुत ही सिंपल एक ही लाइन में पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा, CP होगा, वो निकल के आएगा आपका x + y और +a% / 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, x का मतलब है किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचनी, तो ये वाला, और y का मतलब है हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए, तो ये वाला, और a प्रतिशत यहाँ पे अधिक है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे अगर माइनस होता तो उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं तो 560 + 720 + a% का मतलब कितने रुपए अधिक से मतलब है रुपए, ये प्रतिशत अधिक, तो अधिक कितना है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं लगाएंगे, अधिक दिया गया है, तो 50 और बटा हो जाएगा 2, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 5 × 2 = 13, 0 + 5 = 7 + 5 = 12, 1 = 13/2, इसका 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12, 1 × 2 = 5, इतना आ जाएगा आपको 665 रुपये, 665 रुपये में ये वस्तु खरीदी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 36 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती इनका ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या है, मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट के अंदर दोनों जो संख्याएं हैं वो होता है, ए बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 × 36, इसको बाहर निकालेंगे, इससे 4 निकल के आएगा, इससे 6 निकल के आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×6 = 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आप 4697396980509906 में बहुलक बताओ, बहुलक याद करना, बहुलक मतलब जिस संख्या की पुनरावृत्ति हुई हो, जो बार बार संख्या है, रिपीटेड संख्या नंबर, तो इसमें कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, 9 निकल के आएगा, 9 है। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या 4000 से, ये रुपए लग गए हैं, 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है, गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसके लिए क्या होगा, अंतिम जनसंख्या जो वृद्धि हुई है और माइनस प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी वो, बटे प्रारंभिक जनसंख्या 4000 और गुणा 100, प्रतिशत में निकालना है इसलिए, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 2000/4000 हो जाएगा गुणा 100, और इसको जब काटेंगे दो बार कटेगा तो 100/2 = 50, तो 50% की जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 1 + 10² तो इसको डायरेक्ट ही sec²θ फॉर्मूला होता है, ये सर्वसम का है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक उलट जाते हैं, तो संख्या बताओ। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी एक ही फॉर्मूला है, ±y/2, तो यहाँ पे देखने की बात है थोड़ा, x यहाँ पे जो योग लिखा है वो संख्या x की जगह पर रखी जाए, y की जगह पर जो घटाने पर, अगर यहाँ पे घटाने पर है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ जोड़ने पर होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता, तो यहाँ घटाने, तो इसको लिखें 11/9 योग वाला और +63/2, तो ये 11 9 = 99 + 63/2 = इनको प्लस करेंगे तो 9 3
2 9 6 15 16 अपॉन 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 2 1 जा 1 2, तो ये आपका यहाँ पे 81 आएगा, 81 संख्या आएगी यहाँ पे सॉल्व करके। नेक्स्ट है, लास्ट इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर हैं तो व्यास बताओ। परिधि, तो परिधि क्या होता है किसी वृत्त की, 2πr इज इक्वल टू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू आर, और जो व्यास होता है तो व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू आर का वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो रेडियस निकल के आई त्रिज्या वो 2 निकली थी, और यहाँ पे व्यास जो डायमीटर निकल के आया वो है 4। अब इसकी इकाई देखनी पड़ेगी क्या है, कुछ भी नहीं दिया है तो मैं यूनिट लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो लगभग सभी एग्जाम्स में जिनमें भी मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इससे संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो देखें, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो हमने वीडियो बनाए, जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।